हेलो गाइज़, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। सो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं नॉन स्टिक जेल और साथ साथ कार्विंग जेल के साथ एक ये नया नेल आर्ट। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइज कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये हमारे क्लाइंट के नेल्स हैं। सो गाइज़, आप देख सकते हैं नेल काफ़ी ब्रिटल हो चुके हैं क्योंकि अभी अभी इन्होंने एक्सटेंशन रिमूव भी किया है और साथ साथ जो नेल है, नेल बेड है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो हम ये सीकर टिप आज यूज़ करेंगे। सीकर टिप जो है हमारी स्पेशली यूज़ होती हैं एक्रेलिक एक्सटेंशन के लिए। तो सबसे पहले हमने क्यूटिकल एरिया को पुश किया। अब मैं स्माइल लाइन को नीट कर रही हूँ ताकि हमारी जो टिप है प्रॉपरली फ्री एज एरिया पर लॉक हो जाए। और पूरे के पूरे नेल को अब मैं ड्राई करूँगी हमारे ब्लॉब ऑफर से। तो बहुत ही लाइट ब्लॉब ऑफ करना है। मेक श्योर गाइज कि आपको ऑलरेडी, क्योंकि नेल हमारा वीक है, नेल वीक होने की वजह से मैंने बहुत ही लाइट ब्लॉब ऑफ किया है क्योंकि नेल ड्राइनेस में भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। और जो साइज़ मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ये इसे हम अगेन एक बार जरूर लास्ट में चेक जरूर कर लेते हैं ताकि चिपकाने से पहले कुछ गलती ना हो जाए। इसके लॉकिंग एरिया पे ग्लू अप्लाएंगे करेंगे इस तरीके से, और ग्लू अप्लाई करने के बाद हम इसे जो है पेस्ट कर देंगे हमारे फ्री एज एरिया पर। तो जो डीप कट हमारी टिप्स होती हैं गाइज, हमेशा इस तरीके से फ्री एज एरिया पे लगती हैं, ना कि पूरे नेल के ऊपर। मेक श्योर आपने इसे प्रॉपरली जो है लॉक करना होता है और साइड से आपने हमेशा चेक कर लेना है कि आपकी जो टिप सही लगी है या नहीं। और एक्स्ट्रा जो ग्लू है उसे भी आप एक टिश्यू पेपर से क्लीन कर सकते हैं। अब मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। जो इसकी स्माइल लाइन है, आप देख सकते हैं इस स्माइल लाइन को बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ ये उठी हुई होती है, तो इसे हम ब्लेंड कर देंगे साइड से भी और हमारे पूरी स्माइल लाइन वाले एरिया से भी। तो साइड्स को भी हम हमेशा जो है एमरी बोर्ड से नीट कर लेंगे ताकि जब हमारा नेल बन के आए तो वो साइड से एकदम नीट बन कर आए, नहीं तो आपका एक जगह से नेल जो है बाहर निकल जाता है और उसकी जो शेप है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। तो मेक श्योर इस तरीके से आपने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेना है, और ब्लेंड करने के बाद जो है अब हम इसकी शेप क्रिएट करेंगे। सो जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने टिप क्लिपर की हेल्प से टिप को तो कट किया नहीं, वो इसलिए कट नहीं किया क्योंकि हमारी इनक्लाइन को फुल लेंथ चाहिए, फुल टिप लेंथ। तो इस तरीके से हम इसकी शेप को जो है क्रिएट करेंगे। ओनली फ्री एज एरिया से हम इसे नीट करेंगे। हम इसे बना रहे हैं स्टेलेटो शेप पर, थोड़ी सी ब्रॉड लुक में। तो एमरी बोर्ड की हेल्प से इसे हम स्टेलेटो के लुक दे देंगे। तो आप देख सकते हैं नेल ऑलरेडी कितना ब्यूटीफुल लगने लग गया है, पर साइड्स इसकी थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसकी ब्रॉडनेस हम स्टेलेटो में, बिकॉज हमें वर्क करना है, तो स्टेलेटो के लिए हमेशा साइड्स जो हैं हमें पतली कर देनी होती है। इसे इस तरीके से हमारा जो नेल है वो नीट कर लेना है आपने। तो मेक श्योर दोनों तरफ से आपका जो एमरी बोर्ड है वो इक्वल ही चले ताकि आपकी जो शेप है बहुत ही अच्छी, जितनी ज़्यादा अच्छी बनकर आएगी उतना ही ज़्यादा आपका जो डिज़ाइन होगा उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बन के आएगा। सो मेक श्योर आपने शेप को बहुत ध्यान से क्रिएट करना है अच्छे से। तो हमारे सभी नेल्स की शेप क्रिएट करने के बाद अब मैं पूरे के पूरे नेल को कर रही हूँ ब्लॉब ऑफ। तो हमारे ब्लॉब ऑफर की हेल्प से इस तरीके से अच्छे से हमने टिप एरिया को और नेचुरल नेल के एरिया को ब्लॉब ऑफ करके ड्राई कर लेना है। और ड्राई करने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड डिहाइड्रेटर। तो लिक्विड डिहाइड्रेटर आप देख सकते हैं ओनली नेचुरल नेल के एरिया पर ही हमें अप्लाई करना होता है, इसे पूरे टिप के ऊपर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे कॉलेज के डीसी नेल का #8 नंबर एक्रेलिक ब्रश, हमारा एक्रेलिक पाउडर क्लियर और साथ में मोनोमर। तो मेक श्योर इस तरीके से आपको ये तीन चीज़ें जो हैं इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और ये हमारा जो फ्लावर वाला आप देख रहे हैं ये हमारा डेफेन डिश है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप कोई भी कांच की छोटे डेफेन डिश बाय करके उसके साथ वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्यूटिकल एरिया में सबसे पहले प्रोडक्ट देते हैं ताकि वहाँ पर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सके, और बिकॉज़ हमारा टिप का जोड़ भी वहाँ पर है तो जिससे कि हमारे जोड़ से भी हमारे नेल जो हैं वो फ्री ना हो। तो मेक श्योर आपने ब्रश का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है आप 2 से 3 बार में लेकर पिक करके आप अप्लाई करके पूरे नेल्स का एपेक्स क्रिएट कर सकते हैं साथ साथ ही, तो आपको ज़्यादा बफिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में हम इस तरीके से डैप डैप ज़रूर करेंगे जब भी एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन करेंगे ताकि हमारा जो नेल की जो स्ट्रेंथ है वो एक्रेलिक पाउडर इतने अच्छे से पकड़ ले डैब डैब करने से, ताकि वो हमारा जो नेल है वो बिल्कुल भी क्यूटिकल एरिया से फ्री ना हो। आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि क्यूटिकल एरिया से एक्रेलिक नेल्स जो होते हैं ज़्यादातर वो फ्री हो जाते हैं। तो उनका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि सिर्फ एप्लीकेशन करके छोड़ देने से हमारा जो एक्रेलिक वर्क है वो कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पर हमें डैब डैब पॉलिसी भी अप्लाई करनी पड़ती है। तो डैब डैब करने के साथ क्या होता है कि आपका पूरा के पूरा प्रोडक्ट जो है अच्छे से नेल पकड़ लेता है।
सो जैसे कि हमारा एक्रेलिक पाउडर जो अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब मैं इसे एमरी बोर्ड की हेल्प से पफिंग करूँगी। वैसे तो हमारा अपेक्स बहुत अच्छा आया है, ऑलरेडी एप्लीकेशन में ही हमने बहुत नीट वर्क किया है, बट स्टिल हम इसे जो है क्यूटिकल एरिया से, साइड वॉल से और हमारे नेल बेड के एरिया से जितने भी डंट्स एंड बम्स क्रिएट हुए हैं छोटे से छोटे भी, उसे हम जो है स्मूथ कर लेंगे हमारी पफिंग करके और एक बार शेप को भी हम दोबारा नीट कर लेंगे। तो गाइज हमारा शेप, क्यूटिकल एरिया एंड साइड पल्स बिल्कुल नीट हो चुका है और पूरे नेल की बफिंग करने के बाद अब हम करेंगे ब्लॉब ऑफर की हेल्प से पूरे के पूरे नेल को अच्छे से ब्लॉब ऑफ, ताकि छोटे से छोटे भी अगर स्क्रैचेस हैं एमरी बोर्ड के या फिर छोटे से छोटे भी हमारे सरफेस में डांस बम्स हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ जाएँ और हमारा जो इसके बाद डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन करनी है हमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नीट आए। और बिकॉज जब हम कलर अप्लाई करते हैं अगर हमारी बफिंग अच्छी नहीं होती है तो वहाँ पर डांस एंड बम्स विजिबल होते हैं, तो मेक श्योर आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, आपके नेल के जो डांस एंड बम्स हैं वो बहुत अच्छे से नीट हो जाने चाहिए। तो पूरे नेल को हमने ब्लॉब ऑफ से अच्छे से सरफेस को स्मूथ कर लेना है। सो गाइज हमारे नेल्स जो है रेडी हो चुके हैं और अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ यहाँ पर येलो कलर। तो आप देख सकते हैं येलो कलर की जो कोट है हम बिल्कुल पतली पतली करके अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं जेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ और आप कर देख सकते हैं कि जो जेल पॉलिश के अंदर येलो कलर के अंदर जो है हल्का हल्का शिमर भी है। तो जिस जिस नेल पे हमें जो जो कलर अप्लाई करना है, जैसे कि दो नेल पे हमने येलो अप्लाई किया है, बाकी तीन नेल्स पे हम जो है ये न्यूड शेड अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल इसके भी बिल्कुल पतली पतली कोट करके ही अप्लाई करनी है। मेक श्योर आप जितना पतला अप्लाई करेंगे कलर कोट उतना ही ज़्यादा आपकी जो नेल्स की स्टेबिलिटी है वो रहेगी। सो जेल पॉलिश लग के हमारी रेडी है और इसे अब हम क्योर करा देंगे। और क्योर कराने के बाद गाइस अब हम अप्लाई कर रहे हैं सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश। तो अगेन आप देख सकते हैं सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश भी हम बिल्कुल पतली पतली करके ही अप्लाई करेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं सेकंड कोट में ही हमारे नेल्स की कवरेज हो गई है और अब मैं जो है डिज़ाइनिंग करूँगी ब्रश आर्ट में। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा जो हमने कलर अप्लाई किया है थंब और रिंग फिंगर पर, उसे एक टोनिंग डार्क कलर में यहाँ पर येलो ले रही हूँ ताकि मुझे न्यूड के ऊपर इसकी फर्स्ट कोटिंग में फिनिशिंग नज़र आ सके। तो यहाँ पर ब्रश आर्ट की हेल्प से इस तरीके से हम लाइन क्रिएट करेंगे, प्लस का साइन करेंगे लेकिन साइड में। तो इस तरीके से हमने ब्रश आर्ट की हेल्प से जो है यहाँ पर येलो की कोटिंग कर दी ताकि मुझे दूसरी कोटिंग ना करनी पड़े। फर्स्ट कोट में ही आप देख सकते हो इसकी कवरेज जो है काफ़ी अच्छी आ रही है और साथ साथ हमारे जो जिस नेल पे येलो कलर है वहाँ पर हम अपने पोल्का डॉटिंग टूल्स की हेल्प से यहाँ पर ओवल टाइप में आईज़ की लुक हमें बिकॉज बनानी है तो इसके लिए वाइट जेल पॉलिश मैं यूज़ कर रही हूँ। और साथ साथ जो हमारी मिडिल फिंगर है उसमें भी हम एक साथ ही वर्क कर देंगे। और यहाँ पर हमने जैसे बनी के ईयर्स बनाने हैं तो ईयर्स के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा अपर एरिया से ब्रॉड कर रही हूँ एंड नीचे आते आते जैसे आप देख सकते हैं कि पतला पतला एरिया बनाना है। अगर साइड से इनकेस नीट नहीं होता है तो आप अपने ब्रश आर्ट की हेल्प से नीट कर सकते हैं। और साथ साथ जो है हम इसके फेस के स्ट्रक्चर के नीचे भी हमने जो है थोड़ा सा वाइट का लुक देना है, तो हाफ ऑफ द एरिया इसका जो हेड है वो बनाएंगे, इसे क्योर करा दें। तो अब बारी है पिंकी फिंगर की। तो पिंकी की फिंगर पे हम यहाँ पर जो है लाइन क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर बेसिकली हम चेक बनाएंगे, थोड़े ब्रॉड चेक एरिया बनाएंगे। तो इस तरीके से पहले ब्रश आर्ट की हेल्प से मैं जो है इसे नीट करके एक लुक दे रही हूँ ताकि मुझे प्रॉपर जो फिर फिलिंग करनी है वहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी हमारे चेक से बाहर ना जाए। तो इसकी आउटलाइन कर दी है हमने बेसिकली और अब ब्रश आर्ट की हेल्प से जो है इसे हम इस तरीके से फिल करके रख देंगे। तो चेक बनाने के साथ साथ जो है हमारी जो बची है एक फिंगर, यहाँ पर हमें जो है ओम्ब्रे का लुक देना है। तो ओम्ब्रे के लिए मैंने येलो कलर ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हमारे पेसल शेड के ऊपर और पेसल शेड के ऊपर ओम्ब्रे के लिए फ्रेंच क्रिएट करने के बाद इसे हम स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। और साथ साथ जो हमने वाइट एरिया पर हमने आई की लुक दी थी, यहाँ पर मैं ब्लैक स्मॉल डॉटिंग टूल के साइड से इस तरीके से साइड्स में आईज़ की लुक दे दूँगी हमारी ब्लैक कलर के जेल पॉलिश के साथ। और इंडेक्स फिंगर में जहाँ पर हमने लाइन की थी येलो की, इसके साथ साथ मैं वाइट की लाइन कर रही हूँ वाइट जेल पॉलिश की। तो ये आप देख सकते हैं कि सिंगल कोटिंग में ही कितनी अच्छी नीट आ रही है। तो मेक श्योर कि आपका भी जो प्रोडक्ट आपने यूज़ करना है वो एकदम नीट आए। और साथ साथ पिंकी फिंगर पर भी सेकेंड कोट करके हम ओम्ब्रे का लुक दे देंगे, ब्लेंड कर देंगे, इसे क्योर करा देंगे। सो क्योर कराने के बाद मैं चेक की यहाँ पर दोबारा से एक बार और आउटलाइन कर रही हूँ ताकि जो चेक की लाइनिंग है वो थोड़ी सी 3D इफेक्ट में आ सके और ये और ज़्यादा इन्हांस होके दिख सके।
और साथ साथ इंडेक्स फिंगर पे यहाँ पर हम जो है एक पोलका डॉटिंग टूल की हेल्प से फ्लावर क्रिएट करेंगे थोड़ा सा ब्रॉड सा, ताकि पेस्टल शेड के ऊपर जो हमने येलो लाइनिंग दी है और साथ में वाइट लाइनिंग दी है उसके साथ में ये फ्लावर भी और अच्छे से एनहांस होकर दिख सके। और साथ साथ जो है जो मिडिल फिंगर पे हमने ईयर्स बनाए थे बनी के, तो उसके जो है फेस की अब बारी है, तो यहाँ पर हमने जो है येलो कलर की जेल पॉलिश के साथ जो एक कलर डार्क टोनिंग कलर लिया था विदाउट शिमर वाला है ये कलर, जैसे कि आप देख सकते हैं रिंग फिंगर में हमने शिमर वाला येलो कलर यूज़ किया है, यहाँ पर हम प्लेन कलर वाला कलर यूज़ करेंगे हमारे ब्रश आर्ट की हेल्प से, इसका फेस क्रिएट का राउंड सर्कल एक रेडी कर लेंगे। और इसी के साथ जैसे कि हमने यहाँ पर वाइट हमने ऑलरेडी पहले ही दे दिया था, तो यहाँ पे मैं रेड पॉलिश के साथ बनी के ईयर्स में थोड़े से ब्रॉड से हार्ट बना दूंगी, ताकि जो ईयर्स है वो और अच्छे से हाईलाइट हो सकें। और अब जो हमने आई बनाई थी, तो ब्लैक और वाइट के बीच में यहाँ पर मैं ब्लू के हल्की से एक आउटलाइन दूंगी ब्लू की, ताकि जो आईज़ में ब्लू ऐसे लगे कि वो ब्लू कलर के आईज़ हैं, उससे जो आईज़ हैं हमारी ट्वीटी की वो और अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपने ब्लू कलर ज़रूर देना है। सो ये बेसिकली फ्रोजी कलर है, तो यहाँ पर भी मैं ये जेल पॉलिश के साथ ही दे रही हूँ। अब हम इसे क्योर करा देंगे। एंड गाइज, अब यहाँ पर मैंने देख सकते हैं आप दोनों बनीज में मैंने ऑरेंज कलर की जेल पॉलिश के साथ लिप्स बना दिए हैं, और जो हमारा फ्लावर हमने बनाया था उसको हम सेंट्रलाइज कर देंगे हमारी येलो कलर की जेल पॉलिश के साथ पोलका डॉटिंग टूल के साथ। और येलो डॉट देने के साथ साथ जो है हम अपने बनी की जैसे कि मिडिल फिंगर पे हमने जो येलो वाइट बनाया है, यहाँ पर भी जो है हम आईज़ क्रिएट करेंगे हमारे पोलका डॉटिंग टूल के साथ जेल पॉलिश के साथ में। तो ये हम इसे जो है क्योर करा देंगे। तो बेस हमारा रेडी हो चुका है, अब हम लिप्स की जो है आउटलाइन करेंगे ब्लैक के साथ, और साथ साथ आईज़ की भी आउटलाइन करेंगे, ताकि हम आईज़ के ऊपर जो है लैशेज अप्लाई कर सकें। तो इस तरीके से हमने पहले इसकी आईज़ की आउटलाइन करनी है एकदम। आप देख सकते हैं कितना बारीक हमारा ये जो ब्रश है वर्क कर रहा है, और साथ साथ जो है आईज़ की आउटलाइन करने के साथ साथ इसकी हम लैशेज भी क्रिएट कर देंगे। दोनों तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगी, मेक श्योर आपने इसमें डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है, ताकि आपकी जो आईज़ हैं या आई लैशेज हैं वो बिल्कुल भी अलग से ना लगे। तो मेक श्योर कि आपने लैशेज़ की जो डायरेक्शन है इस तरीके से अप्लाई करके छोटी बड़ी और फिर उससे बड़ी करके अप्लाई करके हम इसे क्योर करा देंगे। सो गाइस, इसे क्योर कराने के बाद एक फिंगर की हमारी जो है रह गई है, जैसे कि हमारी जो पिंकी फिंगर है, यहाँ पर हम जो है थोड़ी वेव्स बनाएंगे ब्लू कलर एंड वाइट कलर की। तो इस तरीके से हमारी जो वेव है हमें दोनों कलर्स के एक साथ ही अप्लाई करके इसे हमने क्योर करवा देना है। तो हमारा बेसिक जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया, और अभी हम इसके ऊपर यूवी टोकर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ नॉन स्टिक हमारी क्लियर जेल। तो इस तरीके से नॉन स्टिक क्लियर जेल को जो है हम जैसे मर्जी अपने हाथों से ही शेप देके अच्छे से राउंड क्लियर करके, ताकि दोनों जो साइड्स हैं गाल की वो मैं रोल रोल करके अप्लाई करनी है। तो इस तरीके से अप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स में, मेक श्योर ये बिल्कुल सर्कल की लुक में आए। और जेल पॉलिश है बिकॉज हमारी, तो उसके साथ ये बेस भी ऑलरेडी जेल का है, और ये भी नॉन स्टिक जेल है हमारे हाथ में, आप देख सकते हैं नहीं चिपक रही है। और इसे जो भी अगर एक्स्ट्रा होती है तो आप उसे इस तरीके से नीट करके दोबारा से अपनी शेप कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसे हम क्योर करा देंगे। एंड तो नॉनस्टिक जेल जो है हमारी क्योर हो चुकी है, और इसे अब हम अगेन जो है येलो जेल पॉलिश के साथ एक सिंगल कोटिंग के साथ ही इस तरीके से ब्रश आर्ट की हेल्प से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉल होकर साइड्स में ना आ जाए, हमारी नेल पेंट पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फैल के नीचे आ गया और उसकी जो शेप है वो बिल्कुल अलग से दिख रही है। तो मेक श्योर आपने इसके दोनों चीक्स को जो हमने बम्पी चीक्स बनाए हैं इस तरीके से जेल पॉलिश के साथ में आपने पतली पतली कोटिंग के साथ चारों तरफ से अपने ब्रश आर्ट की हेल्प से कवर अप कर देना है। क्योर कराने के बाद गाइस, पिंकी फिंगर पे जिस पे हमने चेक बनाया यहाँ पर भी मैंने नॉन स्टिक के साथ में एक वेव देती है, इसे भी क्योर अप्लाई करके क्योर कराने के बाद जो है इसके ऊपर मैं येलो का जेल पॉलिश लगा रही हूँ। आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना उभरा हुआ आ रहा है, इसे भी क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद गाइस, अब बारी है सभी नेल्स को कम्प्लीट करने की। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ नॉन स्टिक यूवी टॉप कोट। तो इस तरीके से नॉन स्टिक आपने यूवी टॉप कोट अप्लाई करनी है, मेक श्योर आपका प्रोडक्ट क्यूटिकल एरिया में या साइड वॉल्स में ना जाए, अच्छे से आपने अप्लाई कर देनी है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं अप्लाई करना है। और जो आपने बम्पी बम्पी इनके चीक्स बनाए हैं हमारे बनीस के एंड हमारी ट्विटी के, उसे भी हमने साइड से अच्छे से कवर अप कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी ड्रॉप कर देनी है वहाँ पे यूवी टॉप कोट, मेक श्योर बिल्कुल पतली पतली कोट ही अप्लाई करनी है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉल होकर इधर उधर ना जाए, और इसे हम क्योर करा देंगे। सो क्योर कराने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं
थंब के ऊपर मैंने ऑलरेडी नॉनस्टिक जेल से एक सेंट्रलाइज कर दिया था उसे। सेंटर में आप देख सकते हैं बम्पी सा येलो नज़र आ रहा होगा आपने, और उसके ऊपर मैंने येलो कलर करके भी क्योर कर दिया। और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हमारी कार्विंग जेल, तो ये भी हमारी नॉनस्टिक जेल है कार्विंग जेल। इस तरीके से मैंने लिटिल बिट उठा उठा के अपने बॉक्स में से बहुत छोटी छोटी गोलियाँ बनाई और इसे अपनी फिंगर के साथ जो है इसे स्प्रेड कर दिया। आप देख सकते हैं डैप टैप करके आप इसे जैसे भी अपनी शेप देना चाहें आप इसमें अपनी शेप दे सकते हैं। और इस बिकॉज हमने इसको फ्लावर की लुक देनी है, तो इस तरीके से आप कार्विंग जेल को जो है आप अपने हाथों में मेक श्योर कि चिपके नहीं, क्योंकि वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छी कार्विंग जेल है, हाथों में आप देख ही सकते हैं मेरे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। मैं कंटिन्यू इसमें वर्क कर रही हूँ, तो हमारे फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद जो है इसे भी मैं क्योर करा दूँगी। सो पूरे वर्क को क्योर कराने के बाद यहाँ पर मैं ब्रश आर्ट की हेल्प से, हमारी जेल पॉलिश की हेल्प से देख सकते हैं आप मैंने इसको सेंट्रलाइज किया, और इसके फेस पे जो है मुझे स्माइली बनानी है, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक जेल पॉलिश के साथ आईज़ तो बना ही दी हैं, और अब मैं रेड कलर की जेल पॉलिश के साथ यहाँ पर लिप्स पे हार्ट की लुक दूंगी, तो ऐसे लगेगा कि जैसे कि किस वाली एक स्माइली हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे ब्रश आर्ट की हेल्प से हम अपनी यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा हार्ट क्रिएट कर देंगे जो लिप्स का लुक भी देगा और किस का लुक भी देगा, तो इसे भी मैं जो है क्योर करा दूंगी। तो इस फ्लावर को भी क्योर कराने के बाद गाइज मैंने इसके ऊपर भी यूवी टोपर लगा के क्योर करा दिया है, और नेल हमारे ये रेडी हो चुके हैं। आई एम श्योर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो में बहुत कुछ अगर आपको सीखने को मिला होगा, आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एंड गाइज अगर आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम की जो आईडी है इस वीडियो के लास्ट में पिक्चर उसकी शेयर कर रही हूँ, एंड साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे इंस्टाग्राम का आईडी शेयर कर रही हूँ। सो गाइज ये है हमारा इंस्टाग्राम का पेज, आप मेक श्योर स्पेलिंग को बहुत अच्छे से देख कर डालना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो।